प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसकी लूट मार का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। आज हम आपको वसई शहर ले चलते हैं, जहां वसई जामा मस्जिद की 2 एकड़ ज़मीन का घोटाला सामने आया है। इस ज़मीन की कीमत 80 करोड़ रुपये बताई जाती है और इस घोटाले में वक्फ बोर्ड के लोग भी शामिल हैं। वसई पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल करवाई गई है। इसके मुताबिक तालुका वसई ज़िला पालघर के मौजू मालुंडे में जामा मस्जिद ट्रस्ट की जो 2 एकड़ ज़मीन वक्फ ज़मीन है और वहाँ कब्रस्तान है, जहाँ पर दरगाह है और चिल्ला है, उसको दस्तावेजात में हेर फेर करके प्राइवेट ज़मीन बता करके बेचने की कोशिश की गई। ये ज़मीन जो कब्रस्तान भी है, ये अरसे दराज से सबूत के मुताबिक जामा मस्जिद की मिल्कियत है, लेकिन लैंड माफिया ने उसको हेर फेर करके बेचने की कोशिश की। मस्जिद ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो कि वक्फ प्रॉपर्टी है, उस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड की साबिक CEO नसीम बानू पटेल और वक्फ बोर्ड के 2 वकला जो पैनल बोर्ड पैनल के वकील हैं, इन लोगों ने हमारे यहाँ के वसई के हामू विश्राम भारवाड़ और रूपा काबू भारवाड़, इन लोगों के साथ में मिल के ट्रस्ट की ज़मीन हड़प करने की, हथियाने की कोशिश की। वसई का ये इलाका बहुत डेवलप हो गया है और आसपास में बड़े बड़े टावर आ गए हैं, इसलिए यहाँ जो कब्रस्तान की और जामा मस्जिद की ज़मीन है, उस पर लैंड माफिया की नज़रें हैं। ट्रस्ट की मालूमात के मुताबिक जब उसका इल्म हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पे जो TLR है और उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उनसे मुलाकात करके जो फर्जी कागजात बनाए गए थे, उस फर्जी कागजात की ताल्लुक से वक्फ बोर्ड से मालूमात हासिल हुई। तो मालूम ये पड़ा कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई लेटर इशू ही नहीं किया है कि ये ज़मीन जो है जामा मस्जिद ट्रस्ट की नहीं है, बल्कि ये कागजात जो जारी किए गए नसीम बानू पटेल के दस्तखत से, ये कागजात फर्जी हैं। हमारे लेटर मिलने के बाद में उप अधीक्षक भूमि अभिलेख सूरज कावले ने इस मामले में हमें जब कॉपरेट किया और सारे कागजात दिए, तो ट्रस्ट के एडवोकेट CM डाबरे, नाना डाबरे, इन्होंने हमें एक कंप्लेंट बना कर दी और हमने वसई पुलिस स्टेशन में फरवरी 2018 की दी हुई कंप्लेंट पे 10 महीना गुजर गया। उसके बाद में पुलिस ने जो भी इंक्वायरी की है, और इंक्वायरी करने के बाद में पुलिस ने, वसई पुलिस स्टेशन ने, क्योंकि नसीम बानू पटेल जो है वो एक क्लास ऑफिसर्स होने की वजह से पुलिस SP और DYSP और एडिशनल पुलिस कमिश्नर की परमिशन के बाद में उस पर भी FIR दाखिल हुई है, और ये FIR का नंबर जो है 316/2018 है और 18 नवंबर को ये FIR वसई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। वक्फ लैंड की जिस तरह लूटमार होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वाकयात हुए हैं, उसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर और वहाँ का स्टाफ मिल करके वहाँ के कागजात जो होते हैं वक्फ़ के और लैंड के और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, उसमें हेर फेर करता है। इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी यहाँ 2 एकड़ ज़मीन को वक्फ लैंड से निकाल करके प्राइवेट ज़मीन बताने और फिर उसको प्राइवेट बिल्डर के हवाले कर देने की जो साजिश हुई थी, उसका पूरा ब्यौरा और जो है रिकॉर्ड, वो वक्फ बोर्ड के मिलीभगत का सबूत है। लेकिन आज 8 दिसंबर हो जाने के बावजूद, 8 दिसंबर गुजर जाने के बाद में भी आज तक का मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं, और नसीम बानू पटेल जो है वो अपने बचाव के लिए भी कोशिश कर रही है। जो हो रहा है ट्रस्ट की वक्फ की प्रॉपर्टी की जो बर्बादी हो रही है, उसमें वक्फ बोर्ड के जो मिले कर्मचारी हैं और वक्फ बोर्ड जो है वो बताते खुद इसमें मुलविस है। मेरा ये मुतालबा है कि
कि वक्फ बोर्ड की न जाने हमारी प्रॉपर्टी की तरह कई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वक्फ बोर्ड की वजह से ट्रस्टियों के और ट्रस्ट के हाथ से गई होगी। इसलिए इस पर हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से गौर करे और जो भी मामलात ऐसे सामने आए हैं उन मामलात के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके इनकी मुकाम जो है वो जेल है। वक्फ लैंड माफिया के ख़िलाफ़ ये लड़ाई आसान नहीं है, हालांकि कार्रवाई हो जाती है, FIR भी दर्ज हो जाती है, लेकिन इसके बाद कानून का एक लंबा प्रोसेस है जिससे लड़ने वालों को मायूसी होती है और जो मुजरिम होते हैं वो उस प्रोसेस का फ़ायदा उठाते हैं। आज हमारे जामा मस्जिद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो उसकी कीमत 80 करोड़ से ज़्यादा है और जिन वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और जो भारवाड़ फैमिली उनको कानूनी तौर से उनके ऊपर बहुत ही कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि अभी तक के किसी को अरेस्ट नहीं किया है और पुलिस बहुत ठंडे इससे काम ले रही है। आज हम लोग SP गौरव सिंह साहब के पास गए थे और गौरव सिंह साहब से रिक्वेस्ट किए इस मामले में, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है जल्द से जल्द हम अरेस्ट करेंगे और ये हमारी प्रॉपर्टी को किस तरह से इन लोगों ने कागज़ में जाली सही सिक्के के साथ बनवाया गया उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चेन है, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उन लोगों को हमारी पुलिस प्रशासन जाकर पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जल्द से जल्द, ये मेरी गुजारिश है। मुसलमानों को कोई सहूलत नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, हज सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई और रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और आज अगर मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और मुस्लिम कौम की तरक्की के लिए महाराष्ट्र में 1,00,000 एकड़ जो ज़मीन है, वक्फ लैंड है, उसको भी बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुसलमानों की तरक्की के लिए कम से कम आप मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो और हज सब्सिडी जैसी सहूलत बंद कर रहे हो, तो ये जो मुस्लिम अवकाफ की ज़मीनें हैं उनको कौम के लिए डेवलप करने के लिए प्रोटेक्ट कीजिए और उसको वक्फ माफिया और लैंड माफिया से बचाइए, ये हमारी रिक्वेस्ट है।